नमस्कार, वेबगुरु न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। आतंकवादी की मौत के बाद 80 युवक लापता, आतंकी बनने का शक। दक्षिण कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में 2 महीने से लगभग 80 युवक लापता हुए हैं। इन युवकों के आतंकी संगठनों में शामिल होने की आशंका जताई गई है, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। गत 8 जुलाई को आतंकी बुरहान व 2 साथियों के मारे जाने के बाद से भड़की हिंसा के दौरान विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी संगठनों के रेडियो संदेश पकड़े हैं। इसमें कहा गया है कि लगभग 80 युवकों में से अधिकांश ने हिजबुल मुजाहिदीन का दामन थामा है। 15 से 20 युवक लश्कर ए तोयबा में शामिल हुए हैं। अधिकारी ने बताया कि स्थानीय युवकों ने आतंकी संगठनों में भर्ती होने की अभी पक्की सूचनाएं नहीं है। पुलिस का ध्यान सिर्फ कानून व्यवस्था बहाल करने पर है। राजनाथ सिंह ने युवाओं को हिंसा के लिए उकसाने वालों पर कार्रवाई के दिए निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरक्षा बलों को निर्देश दिया कि वे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जो जम्मू कश्मीर में हिंसा में शामिल होने के लिए युवाओं को उकसाते हैं। उन्होंने सुरक्षा बलों से यह भी कहा कि वे 1 हफ्ते के भीतर राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने की कोशिश करें। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित अन्य शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ करीब घंटे भर तक चली इस बैठक में राजनाथ सिंह ने निर्देश दिए। सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों को कश्मीर घाटी में हिंसा के लिए उकसाने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए और उन पर मामला दर्ज करना चाहिए, क्योंकि वे पिछले 65 दिनों से सामान्य जनजीवन बाधित कर रहे हैं। अगला परमाणु परीक्षण करने के लिए तैयार है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के 5वें और अब तक के सबसे ताकतवर परमाणु परीक्षण की हाल ही में हुई विश्वव्यापी आलोचना के बाद दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उत्तर कोरिया किसी भी समय एक और परमाणु परीक्षण करने के लिए तैयार है। सोल के रक्षा मंत्रालय के अनुसार उत्तर कोरिया ने अपना पहला परमाणु परीक्षण अक्टूबर 2006 में पहली सुरंग में किया था। इसके बाद हालिया 4 परीक्षण दूसरी सुरंग में हुए। प्रवक्ता ने खुफिया मामले का हवाला देते हुए विस्तृत जानकारी देने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि दक्षिण कोरिया की सेना आगे होने वाले परमाणु परीक्षणों, बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों या जमीनी स्तर पर होने वाले उकसावों से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर पूरी तरह तैयार है।